उसके बाद मिडल में एक लिया है और एक फ्रंट में लिया है। तो दोस्तों ये सेक्शन पूरे ध्यान में दो, ईयर टू ईयर वाला पार्टीशन आप ध्यान से देखो, ईयर टू वाला पार्टीशन है एक। उसके बाद हम लोगों ने पीछे सेंटर में एक पार्टीशन किया है जो ये वाला है, वो भी ईयर के पास में ही आता है, वैसा कनेक्टेड है जैसे ईयर को अभी मैंने कनेक्ट किया है। और एक आता है जो लास्ट में एकदम प्रॉपरली एंड में किया। तो ऐसे तीन सेक्शन में हमने बालों को डिवाइड किया है और आप देख सकते हो ईयर के पास आ रहा है। तो ये बात ध्यान देना है आपको, कहीं से भी अगर आपने सेक्शन गलत किया तो आपका हेयर कट गलत हो सकता है। तो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के साथ शुरू करते हैं और फर्स्ट जो सेक्शन है उसे चिन के लेवल तक हम लोग करेंगे स्ट्रेट कट और उसको नॉचिंग करेंगे, यानी थोड़ा सा हम लोग उसे टेक्सचराइजिंग करेंगे क्योंकि वो लाइन नहीं दिखनी चाहिए सीधी, इसलिए हम लोग क्या करेंगे उसमें थोड़ा सा नॉचिंग करेंगे एकदम प्रॉपरली सेक्शन के, और आपको एक आसान वाला टेक्सचराइजिंग फील आएगा, यानी आपका जो हेयर कट है एकदम लाइन नहीं दिखेगी, एकदम प्रॉपर वाला लुक आने वाला है। तो दोस्तों जो भी लोग नए हैं चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब करना चैनल को, जो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते ज़रूर इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना। और जल्द ही प्रॉपरली एकेडमी स्टार्ट होने वाली है पुणे में, यानी मेरे जो भी सलोन है वहाँ पे, तो आप एकेडमी ज़रूर ज्वाइन करना, वहाँ पे मैं सारी चीज़ें डिटेल आपको दे दूंगा और उसके भी वीडियोस बनाऊंगा कि हम लोग कैसे एकेडमी बनाने वाले। तो आप बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ। तो दूसरा सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको फिंगर को ना टिल्ट करना है, थोड़ा आगे लेके जाना है जैसे मैं लेके जा रहा हूँ। तो आप ये बात प्रॉपरली देखना कि मैं कैसे आगे लेके जा रहा हूँ, फिंगर को टिल्ट कर रहा हूँ और उतना पार्ट जो है हम लोग कट करने वाले हैं। तो दोस्तों एकदम आसानी से मैं उसे शॉर्ट टू लॉन्ग कट कर रहा हूँ, एकदम स्ट्रेट नहीं कट कर रहा हूँ, ये बात ध्यान दो स्ट्रेट नहीं कट करना है। प्रीवियस इसमें हम लोगों ने स्ट्रेट कट किया था बट इसमें आपको शॉर्ट टू लॉन्ग वाले डायरेक्शन से ही इसे कट करना है और आप देख सकते हो उसमें भी थोड़ा मैंने नॉचिंग किया। तो अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड सेक्शन की तरफ। तो बस तीन चॉप में आपका हेयर कट हो सकता है, इतना आसानी ये हेयर कट है और मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर ये हेयर कट ट्राई कीजिए और जो भी नए लोग हैं उनसे उनको आप ये ज़रूर शेयर कीजिए कि वो ये वीडियो देखे। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं हमारे थर्ड सेक्शन की तरफ। तो इसको प्रॉपरली आपको 90 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है जैसे मैं कर रहा हूँ, प्रॉपरली कोम इम्पॉर्टेंट है और सेक्शन जब भी निकालोगे तो नीट एंड क्लीन होने चाहिए। तो आप देख सकते हो वहाँ पर हमारी गाइडलाइन मतलब उनका एंड वाला पार्ट है, तो हमें उससे ज़्यादा शॉर्ट नहीं करने थे क्योंकि उनको लेंथ रिक्वायरमेंट था, तो उतना ही बस हमने कट किया और उसे किया नॉचिंग। तो दोस्तों ऑलमोस्ट हेयर कट हो चुका है। तो अभी आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ कि पहले बॉटम में जो हमने 90 के ऊपर कट किया, तो आप देख सकते हो वहाँ पे ऑलरेडी लेयर दिखना स्टार्ट हुआ है, लेयर विद स्टेप। अभी ऊपर का पार्ट हम लोग डिवाइड करते हैं, उसे भी निकाल देते हैं रबर, और वो वाला पार्ट भी आपको मैं प्रॉपरली दिखा देता हूँ कि कैसे लग रहा है वो। लास्ट में अगर आप चाहते हो तो उनको वन लेंथ भी कर सकते हो और फेदर भी वापस थोड़ा सा फिनिशिंग दे सकते हो आप। तो दोस्तों अभी देखो सेकेंड वाला पार्ट मैंने रबर बैंड निकाल दिया, तो उसकी भी लेयरिंग आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये कुछ भी एडिटिंग वाला पार्ट नहीं है, डायरेक्टली है, आप देख सकते हो कितना प्रॉपर लेयरिंग उनके हेयर्स के ऊपर आ रहा है और कितना अच्छा लग रहा है वो। तो दोस्तों कुछ भी एडिटिंग वाला पार्ट नहीं है, जो भी है आपके सामने डायरेक्टली मैंने ये किया। अभी लास्ट पार्ट भी मैं खोल रहा हूँ रबर बैंड, तब तक आप पीछे के लेयरिंग देख सकते हो। तो अभी सामने का रबर बैंड निकाल के मैं आपको अभी उनका जो नेचुरल वाला लुक है वो दिखाता हूँ, उसके बाद हम लोग ब्लो ड्राई करेंगे। तो ये थर्ड वाला पार्ट। तो दोस्तों देखिए कितने आसानी से हम लोगों ने ये हेयर कट किया है और कितना प्रॉपर ये लुक दिख रहा है उनके हेयर्स के ऊपर। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लग रही है ज़रूर कमेंट करना, और बहुत मेहनत लगती है ये सारी चीज़ें करने में। ब्लो ड्राई में इनवर्ड कर रहा हूँ ना कि आउटवर्ड, तो प्रॉपरली इनवर्ड मैं ब्लो ड्राई करने वाला हूँ इनके हेयर्स के ऊपर और प्रॉपरली एक लुक उनके हेयर को देने वाला हूँ। आप देख सकते हो प्रॉपरली इनवर्ड किया है मैंने, उसके बाद मैंने वन लेंथ और थोड़ा सा फेदर टिंच दिया, उसके अलावा ये हेयर कट में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। बस तीन सेक्शन निकालने हैं, हेयर कट करना है और सेट करने हैं बाल। तो दोस्तों एकदम आसानी से आप लोग ये हेयर कट कर सकोगे और आपके क्लाइंट को खुश कर सकोगे। तो दोस्तों ऑलमोस्ट मेरा ब्लो ड्राई हो चुका है, अभी मैं आपको इनका फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ कि कितना ये खूबसूरत लग रहा है। तो दोस्तों देखिए ये इनका है फाइनल रिजल्ट विद ब्लो ड्राई के बाद वाला, और इसे लोग बटरफ्लाई हेयर कट बोलते हैं, इसे लोग वोल्फ हेयर कट बोलते हैं, इसका कोई प्रॉपरली नेम नहीं है बट आप इसे बटरफ्लाई भी बोल सकते हो, और जो भी बाहर कंट्री में अभी ट्रेंडिंग में है ये हेयर कट तो आप इसे वोल्फ हेयर कट भी बोल सकते हो। तो दोस्तों ये देख सकते हो आप कितना प्रॉपरली एग्जीक्यूट हुआ है, मैंने इनवर्ड ब्लो ड्राई किया है
और इसमें फेदर का भी लुक आ रहा है, फ्रंट लेयर का भी आ रहा है और एकदम प्रॉपरली फॉरवर्ड ग्रेजुएशन वाला भी लुक इसमें आ रहा है। तो दोस्तों आपको ये हेयर कट का वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना, और मेरी जो भी एकेडमी अभी स्टार्ट होने वाली है जैन से न्यू ईयर में, उसके भी मैं आपको डिटेल दे दूंगा। जिसको भी ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हो, और उसके नंबर सारी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे दूंगा। जो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहाँ पे मैं डेली बेसिस पे इसके अपडेट डालूंगा एकेडमी के, और हो सके तो यूट्यूब पे भी वीडियो डालूंगा कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पे हम लोग सिखाएंगे, क्या क्या करने वाले हैं और कितने आसानी से आपको ये लुक दिखाने वाले हैं। हमने बैक का फ्रंट का लुक देखा, अभी देखो बैक का लुक कितना खूबसूरत लग रहा है ये हेयर कट। आप अगर आपको ये सच में लाइक अच्छा लगा होगा ना, तो आप ज़रूर इसे लाइक करोगे और दोस्तों के साथ आपके ज़रूर शेयर करोगे। और ये एलनेट का स्प्रे है जो कि लॉरियल का है, होल्डिंग स्प्रे वो मैं यूज़ करता हूँ, तो आप लोग भी वो यूज़ करें, बहुत अच्छा लुक देता है वो। और फिनिशिंग टिंच आप देख सकते हो, होल्ड भी करता है और ज़्यादा ड्राई भी नहीं करता है बालों को। तो दोस्तों देखो कितना खूबसूरत ये हेयर कट लग रहा है। तो दोस्तों ऐसे ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए अविनाश हेयर केयर और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए जैसे आप रेगुलर मुझे सपोर्ट करते हो। आपके सपोर्ट के